तो हेलो फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डीके अनवर ब्लॉग्स पे। और जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि जा रहे हैं, वंदना जी की सहेली आ रही है और सामान वाल लेने, तो मैंने झोला ले लिया है और स्कूटी की चाबी ले लेते हैं और निकल जाते हैं मार्केट के लिए सामान लेने, क्योंकि काफी घूम टहर के जाना पड़ेगा। बहुत ही सारा आइटम है और आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या लेते हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में, चलते हैं। और पहुंच गए हैं दुकान के अंदर राशन लेने के लिए और देखते हैं यहाँ कोई है कि नहीं है नीचे। और भाई साहब बैठे हुए इधर देखते हैं, ये देखिए सारा पैकेट का माल लगा हुआ है। तो ये अरहर की दाल है हमारी, लेना है। तो ये लिस्ट लेके आया हूँ और क्या क्या लेना है, ये दुकान देख सकते हैं आप लोग, सब अपनी मर्जी से यहाँ ले सकते हैं जो लेना है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में सामान लेने के बाद। तो यहाँ देख सकते हैं सब बिस्कुट लगे हुए हैं, ओरियो, इधर नमकीन लगे हुए हैं, इधर शैम्पू लगा हुआ है, जो चीज़ चाहिए यहाँ से उठा सकते हैं। मैंने सामान ले लिया, थोड़ा ही लिया है आज, ज़्यादा नहीं लिया है कुछ। पहुंच गए हैं दुकान पे और मीठा लेने के लिए और हमारा सामान ले लिया है नीचे। देखिए भाई साहब देख रहे हैं, तो सो फैमिली सामान लेके आ गए हैं, बस सब्जी रह गया, जाके सब्जी ले आते हैं फटाफट। वंदना जी फोन लगा रही है अपनी फ्रेंड को, पता नहीं बार बार पे अपडेट ले रही है। अरे मेरे हस्बैंड बोल रहे सदर बाजार कहाँ पड़ता है, ट्रेन से जब आओ तो, जब मेट्रो से आओगे तब पड़ता होगा ना जी, मेट्रो से कोरे रास्ते में पड़ा था। ट्रेन से उतर गई अभी? नहीं तो नई दिल्ली करेंगे, अभी ट्रेन कहाँ जाएगी, नई दिल्ली रुकेगी। हाँ तो आप नई दिल्ली उतर जाइए, आनंद विहार मत उतरिएगा, बहुत दूर पड़ जाएगा। अच्छा वहाँ आ गई तो किधर जाना पड़ेगा जी, मेरी गेट साइड निकलना है। हाँ ठीक है, ओके, उतर गई है नई दिल्ली। तो हमारा राशन आ गया, सब चावल है, बाकी ये सब सामान। और ये देखो ये बोरी लाए हैं, इसमें अपना आटा भर लेना। आटा? अरे आटा जो गेहूँ भर के लाते हैं। अच्छा बढ़िया है भैया, टमाटर देसी 4-10 रुपए किलो। हाँ 20 रुपए किलो दोगे? मैं 10 रुपए किलो दूंगा। क्या हुआ आज मैं देसी लेने गया मैम, तो चलो घटिया, इतना घटिया देसी वाले लड़के मारे लाए थे देसी, कल का ही देसी फोन में लगे, ये 50 रुपये नहीं खा गया यार, गेम की क्रेड है। 900। तो हमारा सब्जी भी हो गया है और ले लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सारा आइटम हो गया है, भाग भाग के एकदम थक गए। अंकल जी कह रहे वीडियो बना रहे थे, हाँ वीडियो हमारा यही काम है। तो हमने सारा व्यवस्था कर दी है, वंदना जी पानी उन्हें पिला रही है अपना। The next day. तो सो फैमिली मैं घर पहुंच गया हूं और कभी थक गया हूं, थक क्या, काम धाम तो है नहीं, थकेंगे कहाँ, जब काम ज़्यादा रहता तो थक जाते हैं, इस टाइम काम उम नहीं है तो थकना क्या कहें। और इधर बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, वंदना जी अपना देखिए सर झुका के मोबाइल चला रहे हैं, जो कि इनको मना है कि सर झुका के मत रखा करिए, ये भी सर झुका के। क्या जी आपकी सहेली चली गई? हाँ चली गई। कितने बजे गई हैं? यहाँ से निकली है 3:15 बजे, उनका 5:30 बजे ट्रेन था, वीडियो एक बनाने वाले थे, कॉमेडी नहीं बनी। अच्छा वहाँ जाने वाले थे, चिड़िया घर जाने वाले थे? नहीं गए, टाइम नहीं हुआ था, घूमने फिरने जाते थे। हाँ आजकल दिन भी ऐसे भी ज्यादा पता ही नहीं चलता है। तो इनकी सहेली रोली जौनपुरिया
चली गई अपने जौनपुर। बहुत कॉमेडी करती है। कॉमेडी करना चाहिए, कॉमेडी करोगे तभी आप भी करो करो कॉमेडी। आप तो करती नहीं, इसके लिए टीम होना चाहिए। क्या हुआ देखो कुमार, अरे ऐसे ही पर्सनल। थोड़ा धीरे बोला करने, जुबान काट लूंगी समझ लेना। जुबान जुबान काट लेंगे। क्या किया है देखो। तो फैमिली लेके आया हूँ मैं अपनी फैमिली के लिए पेठा और सोनाक्षी और इनकी मम्मी निचोड़ रही हैं एकदम जड़ से। और वंदना जी का पेठा फेवरेट है तो लेके आया हूँ, एक बार दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। तो ये देख सकते हैं हमारा पेठा है और ये 50 रुपए का आधा किलो मिला है, 100 रुपए किलो है। महंगा है तब तो। ये कोहड़ा होता है, कोहड़ा बोलते है ना जी, रसकावा कोहड़ा, रसकावा कोहड़ा उसको बोलते हैं। तो हमारे गाँव में भी मिलता है कोहड़ा वो वाला, लेकिन उसका बनाने का तरीका होना चाहिए। देख सकते हैं कैसा लगा जी, अच्छा था। तो रख देते हैं सुबह पानी उन्हें पीने के लिए। और काट के रख दूंगा। ये देखो अपने तैयारी में आ गई, काट उठ के रख दूंगा। सूखा नहीं है ना। तो रख देते हैं इसको। फैमिली रोली जौनपुरी आई थी और चली भी गई, तो हम लोगों से जितना हो सका उतनी अच्छी खातिरदारी की उनकी, और हम लोगों का व्यवहार देख के उनको काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुश हुई। तो बोली कि कभी आइएगा हमारे घर पे। तो उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है हमारे गांव से, यानी हमारे घर से जहां हमारा गांव में घर है, तो वहां से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही, ज़्यादा नहीं 25-30 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से। आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा वंदना जी के कि कैसी खातिरदारी की। अच्छा लगता है जब कोई हमारे यहाँ आता है, मिलता है, जुलता है। हम लोग भी किसी के यहाँ जाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। वो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं और इंग्लिश में भी बोल रही थी, और उनके वीडियो से लगता नहीं है कि वो पढ़ी लिखी हुई, क्योंकि उनका जो वीडियो का लैंग्वेज होता है वो एकदम गाँव वाली, देहात वाली भाषा का हो। कहाँ जाता है, कहाँ करता है, आप बैठता तनी इधर यहाँ मज्जा, ऐसे हम लोग, हमारा लोग का भी भाषा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, गांव में जाके ऐसे ही बोलते हैं गांव वाली भाषा। तो अच्छा लगता है जब गांव वाली भाषा बोलते हैं, चले यार चली कहाँ जाता है आवा इधर, तो ऐसे बोलते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और तो फैमिली हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा छोटा करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें, आप सबका भी टाइम पास हो सके। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।